Hello students, welcome back. Now again in International Finance there is the topic that is of monetary assets. Demand and supply of currency market. Currency market में exchange क्या होता है? पैसे exchange होते हैं, ठीक है? या तो पैसों के सामने capital, goods, service exchange होते हैं. यहाँ पे डिमांड रहेगी, सप्लाई रहेगी, वो हिसाब से आपका रेशियो रहेगा, हायर रेट ऑफ एक्सचेंज या तो लोअर रेट ऑफ एक्सचेंज. फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मैं आपको आई विल गिव यू टू एग्जांपल्स. एक मैं आपको दूंगी इंडिया आत्मनिर्भर ना. फॉर एग्जांपल, आपके पास हार्ड कैश कुछ पड़ा है जिसमें से आप इमीडिएटली क्या बाय कर सकते हैं, या तो आपको मोबाइल लेना है तो आपके पास अगर पैसा है तो यू कैन बाय इट इमीडिएटली. सो सेम वे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि कंपनी ने कुछ $40,000 के गुड्स खरीदे हैं. इन जनरल बिजनेस टर्म्स इट इज लाइक दैट डेटर्स क्रेडिटर्स आप लोगों ने देखा होगा. आपका पैसा आप इमीडिएटली बहुत बार नहीं देते. इन बिजनेस जनरली हैपेंस के आप पैसा देते हैं, लेते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, बड़ी बड़ी डील्स करते हैं, तो जनरली आपको 30 डेज की क्रेडिट मिलती है.